दोस्तों गुड मॉर्निंग, आज हो चुका है 17 सितंबर 2019 और आज मंगलवार के आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, हर न्यूज़पेपर हर वेबसाइट को हमें देखना पड़ता है, उसके बाद हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी न्यूज आपको दें, कौन सी न्यूज आपके काम की है, तब जाके वीडियो तैयार हो पाता है। तो दोस्तों अगर आप हमारी इस मेहनत का फल देना चाहते हैं तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। भारी बारिश में भी सेविका सहायिकाओं ने किया प्रदर्शन और ये न्यूज निकल कर आ रही है झारखंड के कोडरमा से। आंगनबाड़ी केंद्रों पर जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाहरवें दिन सोमवार को प्रखंड मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इससे पूर्व भारी बारिश से भीगते हुए प्रखंड परिसर से जुलूस निकालकर स्टेशन रोड, झंडा चौक, ब्लॉक रोड होते हुए प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर जुझारू प्रदर्शन और सभा में तब्दील हो गयी। जुलूस में रघुबर सरकार मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, भाजपा सरकार पर हल्ला बोल आदि नारे लगाए जा रहे थे। वर्षा रानी की अध्यक्षता व उर्मिला देवी की संचालन में हुई बैठक में सीटू राज्य कमेटी सदस्य संजय पासवान ने कहा कि रघुवर सरकार का आंख की पानी सूख गया है। राज्य भर में आंगनबाड़ी कर्मी एक माह से हड़ताल पर और पिछले चार दिनों से राजभवन के समक्ष दर्जनों कर्मी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसकी हालत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन निर्दयी सरकार सोई हुई है। कर्मचारी महासंघ के जिला सचिव शशि पांडे ने जायज मांगों के लिए जारी आंदोलन को पूर्ण समर्थन का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष मीरा देवी और सचिव पूर्णिमा राय ने कहा कि यह सरकार अगर हमारा मानदेय नहीं बढ़ाएगी तो आगामी विधानसभा चुनाव में आंगनबाड़ी परिवार सरकार के विरोध में वोट करेंगे। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के सागर से। पूर्व सीएम ने बढ़ाई थी राशि, वर्तमान ने कम कर दी। राधा तिराहा स्थित गेड़ा जी धर्मशाला में रविवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिका संघ की संभागीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मध्य प्रदेश बुलंदाबाद नारी शक्ति संघ की संभागीय लीला शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया था, लेकिन वर्तमान सीएम ने 1500 रूपए कम कर दिया। 3 माह से केंद्र से आने वाले 4500 रूपए की राशि तो प्राप्त हो रही है, लेकिन राज्य सरकार एक पैसा नहीं दे रही है। वहीं हम लोगों के लिए सैकड़ों नियम भी बना दिए गए हैं। अब सभी आंगनबाड़ी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काम करेंगी। इसके बाद कार्यकर्ता व सहायिका संघ गृह भेंट करेगी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 3 माह से राज्य सरकार से मानदेय नहीं दिया गया है। कार्यकर्ता सामूहिक रूप से न्यायालय की शरण में जाएंगी। आंदोलन व धरने की रूपरेखा भी बनाई गई है। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही हो तो प्रदेश के पीलीभीत से बच्चे बनेंगे सेहतमंद। मोबाइल ऐप से मिलेगी चिकित्सीय सलाह। 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवतियों को कुपोषण से बचाने के लिए लागू की गई सबरी पोषण योजना को पोषण ऐप के जरिए कारगर बनाया जाएगा। यह ऐप गर्भवती महिलाओं के साथ 2 वर्ष तक के बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए उपयोगी है। ऐप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की लोकेशन भी देगा, वह क्षेत्र में गई या नहीं, अगर गई तो किसके घर गई आदि जानकारी ऐप से मिल जाएगी। वैसे तो सबरी योजना के तहत पोषण ऐप के 1 साल पूर्व लॉन्च किया गया था, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं के मोबाइल में ऐप डाउनलोड नहीं किया जा सका। जबकि प्ले स्टोर के माध्यम से इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद समय समय पर गर्भवती महिलाओं और 2 साल तक के बच्चों को सही आहार निर्देश मिलते हैं, ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा बहु आसानी से सही जानकारी दे सकें। डीपीओ अरविंद कुमार ने बताया कि गर्भवती महिलाओं के हीमोग्लोबिन को डालते ही यह ऐप बता देगा कि खून की कमी है या नहीं। अगर खून की कमी है महिला के अंदर तो ऐप खान पान संबंधी चीजों की सलाह भी देगा। इसके साथ ही 2 वर्ष तक के बच्चों को क्या बीमारी है, क्या पोषण आहार देना चाहिए, इसके साथ ही दवा आदि के बारे में भी जानकारी बताएगा, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आशा बहु बच्चे के तीमारदारों को बता सके कि इसको कुपोषण के लिए क्या आहार में दें और क्या दवा खिलाएं। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हिमाचल के धर्मशाला से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन। उपमंडल धर्मशाला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पद भरे जा रहे हैं, जिसके लिए जल्द आवेदन मांगे गए हैं। यह जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी रहस ने दी। उन्होंने बताया कि धर्मशाला उपमंडल में ग्राम पंचायत लाजड़ा की आंगनबाड़ी केंद्र लाजड़ी तथा ग्राम पंचायत धरोह के आंगनबाड़ी केंद्र धरोह में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक एक पद 6300 रूपए के मासिक मानदेय पर भरा जाना है, जबकि ग्राम पंचायत कल्याड़ा के आंगनबाड़ी केंद्र ओर्डर 1 में आंगनबाड़ी सहायिका का पद 3200 रूपए के मासिक मानदेय पर भरे जाना है। उन्होंने बताया अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटर पास या इसके समकक्ष हो और सहायिकाओं के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मिडिल पास या इसके समकक्ष हो। अभ्यर्थी के परिवार की सालाना 35,000 से कम होनी चाहिए तथा तहसील से जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। अभ्यर्थी आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वे रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इच्छुक महिलाएं अभ्यर्थी अपनी आवेदन प्रमाण पत्रों सहित इस कार्यालय में 20 अक्टूबर 2019 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा साक्षात्कार 25 अक्टूबर 2019 को प्रातः 10 बजे से उपमंडल अधिकारी धर्मशाला के कार्यालय में लिया जाएगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को अपने मूल प्रमाण पत्रों प्रस्तुत करना आवश्यक होंगे। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी रेत के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको दी आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इस तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर
सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।